हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाने जा रहे हैं कलौंजी हेयर टोनर। जिसे बनाने के लिए सबसे पहले आप पानी को गर्म कर लीजिए और गर्म पानी में डालें कलौंजी सीड्स। कलौंजी सीड्स को इंग्लिश में कहते हैं कोरिएंडर सीड्स, यानी कि धनिया के बीज। तो इसे पानी को आपको अच्छे से उबालना होगा, तब तक जब तक कि पानी का कलर चेंज नहीं हो जाता, पानी आधा नहीं हो जाता और साथ ही साथ कलौंजी का पूरा एसेंस पानी में नहीं आ जाता, तब तक आपको उबालना है। तो आप इस पूरे प्रोसीजर को लो फ्लेम पे ही करें। तो अच्छे से इसे मिक्स करके भी आप पका सकते हैं हमारी तरह। तो मैं आपको इस टोनर के फ़ायदे बताती हूँ, जैसे कि आपके बालों को सिल्की स्मूथ, शाइनी, लॉन्ग, बाउंसी, मैनेजेबल, फ्रीज फ्री बनाता है। साथ ही साथ अगर आपको ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उसे भी ये काला करता है नेचुरली। और अगर आपके हेयर में इन्फेक्शन है तो उसे भी क्योर करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, सभी के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं टी ट्री एसेंशियल ऑयल। हम यहाँ पे दो एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ कर रहे हैं, आप किसी एक का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे आप बाहर एक महीने के लिए और रेफ्रिजरेटर में 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद डाल रहे हैं हम इसमें लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सबके साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, साथ ही साथ ऐसी वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।